सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज हम लोग पर्सनल काम के लिए बाहर निकले हैं और मैं खाली था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो मैं सोचा कि व्लॉग कर लूं। और मेरे साथ भैया हैं और फूफा हैं। फूफा तो पीछे गए हैं क्योंकि उनको पंखा चाहिए था तो हवा अच्छा मिल रहा था उनको तो पीछे चले गए। और भैया मेरे सामने खड़े हैं, मतलब बैठे हैं। गाइस आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और अभी मैं मुंबई में हूँ तो इसे गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। तो आप सभी को नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस अभी हम लोग मेमो ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एकदम ऐसा ही है, लोकल और मतलब कि जो मेल ट्रेन होता है उसका एक कॉम्बो है और ये कहीं पाया नहीं जाता है, सिर्फ मुंबई में पाया जाता है ये। और अभी मैं जब आ रहा था तो गजब धक्का मुक्की हुई। हम जब ट्रेन पे चढ़ रहे थे तो उन्होंने एक अंकल थे वो पूरा ढकेल दिए थे मुझे बाहर आ गया वाला था। मैं तो पकड़ा हुआ था और पीछे से भैया थे चिल्लाते धक्का मत दे धक्का मत दे। तो ये सब एक्सपीरियंस करा मैं, तभी मैं मतलब कि ट्रेन में इतना गया हूँ मैं, पर ऐसा कभी धक्का मुक्की वाला सीन देखा नहीं हूँ मैं, पर इधर देखने को मिला है। भैया पहले ही वार्निंग दे चुके थे मुझे ये सब होने वाला है। तो गाइस आप ये जो मंदिर देख रहे हो वो चंडिका देवी का मंदिर है और ये पहाड़ पे है और ये यहाँ का फेमस मंदिर है। मुंबई में ना ये मतलब बोलते हैं ना कि हर किसी का पुलिस आरपी वाले का निर्देश है कि आप गेट से खड़े होके फ़ोन पे बात ना करिए, विंडो के बाहर ऐसा हाथ निकाल के रिकॉर्डिंग ना करिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मोबाइल की चोरियाँ होती है। चोरियाँ कैसे होती हैं, ये जो पिलर्स बने हुए रहते हैं अपना ट्रैक के बगल में, आपको लगता होगा यार इतनी फास्ट स्पीड ट्रेन में कौन चला चोरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं जो पिलर पे बैठे रहते हैं और जैसे ही इनको दिखा दूर से दिख जाता है कि भाई ये बंदा गेट पे खड़ा के बात कर रहा है तो डंडा लेके फोन पे बैठे रहते हैं, सिर्फ आपके हाथ पे जोर से मारते हैं और हाथ पे लगते ही फ़ोन नीचे गिर जाता है और नीचे उनका बंदा बैठा रहता है मोबाइल पकड़ने के लिए। तो इसके लिए हो सके कभी मुंबई ट्रेन में ट्रैवल करते हुए फ़ोन हाथ बाहर निकाल के गेट पे खड़ो के बाद ना चले। तो भिवंडी पहुँचे हैं और हम लोग को कल्याण जा रहा है, अपने मतलब पर्सनल काम से हम लोग कल्याण जा रहे हैं। तो अभी हम लोग को पहुंचने में कम से कम एक डेढ़ घंटा लगेगा, तब तक हम लोग इसी मेमो ट्रेन में रहेंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं घनसोली रेलवे स्टेशन और वहाँ से हम लोग को थाने जाना है और वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और दीदी के घर जाएंगे। एक्चुअली बहुत टाइम बाद हम लोग दीदी से मिलेंगे। सो हम लोग चल रहे हैं, हम हैं फूफा जी और भैया हैं तो साथ में चलेंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और बाकी भैया जो हैं वो हम लोग को ले चल रहे हैं क्योंकि वो तो देखे हैं रास्ता, हम लोग नहीं देखे हैं। तो गाइस मुंबई घूमने आए हैं तो बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है और फर्स्टली है कि लोकल्स में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस मिला है मुझे। पहले तो कभी मैं लोकल में कभी नहीं बैठता था, बस ट्रैवल में करता था सीधा ट्रेन से। और इधर की लाइफस्टाइल और बनारस की लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग थाने ट्रांसफार्मर रेलवे पे हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे थाने, तो हम लोग वहीं पे चलेंगे और दीदी से मिलेंगे। तो गाइस हम लोग थाने स्टेशन में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग बस या कोई ओला कैब बुक करेंगे और फिर दीदी के घर जाएंगे वहाँ से। और बहुत एक्साइटेड हूँ और बाकी मज़ा तो आ ही रहा है इधर। गाइस ये है स्वैग वाले फूफा जी, ये और हम लोग यहाँ पे थाने पे अभी थाने स्टेशन से बाहर आए हम लोग और अभी हम लोग कैब बुक किए हैं और हम लोग जाएंगे अभी दीदी के घर, अभी उसी का वेट कर हम लोग। ए ललिता है आपल्या बिल्डिंग चं नाव काय? मूर्ती सजन ना किधर है? मूर्ती सजन 5 नंबर बिल्डिंग
पाँच नंबर यही हो ऊपर ना यहाँ से हेलो दीदी ये पूरा बनारस से बॉम्बे तक हर जगह से रखा है तो गाइस मैं फाइनली दीदी से मिल चुका हूँ। अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं वसई पे, फिर वहाँ पे आपसे मिलेंगे। फाइनली मैं घर आ गया हूँ और आज ट्रैवल कर करके मैं थक गया हूँ और कल का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी होने वाला है और हम लोग बहुत जगह घूमने वाले हैं और भैया का भी कल छुट्टी है ऑफिस का, तो वो मेरे साथ चलेंगे और मुझे घुमाएंगे। तब तक मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।